गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं आपको ज़बरदस्त सी राइस फ्लोर की जो राइस होते हैं सॉरी राइस की बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम बताऊंगी जो स्किन को ब्राइट ब्राइट करेगी, और इसको अगर कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल वाइटनिंग क्रीम की तरह टैन शेड जो होता है क्लीन स्किन को ब्राइट कर देगी, वाइट कर देगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बार बार यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस हम जो राइस की क्रीम बनाएंगे होममेड जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, तो इस तरह से पहले हम राइस को ना बॉईल कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा बॉईल करना है ताकि ये इस तरह से नरम हो जाए ज़्यादा। फिर इसको ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है? तो गाइस इस तरह तरीके से ब्लेंडर करके इसको राइस को ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है, तो ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। तो गाइस राइस हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है ये, यानी कबल इस वक्त जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उनको भी रोकता है, और डार्क स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं फेस पे उन्हें भी ख़त्म करता है, स्किन को ग्लोइंग और ग्लास स्किन बना देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है और एक होममेड क्रीम है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और स्किन को ग्लोइंग भी बनाती है ये राइस क्रीम। तो इसके लिए राइस हर तरह से हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो हमारी स्किन को हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाते हैं। और इस तरह से ये राइस की होममेड क्रीम बनेगी, बिल्कुल ही स्मूथ हो जाते हैं ग्राइंड करने के बाद और एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। इसमें गाइस मैं ऐड करूँगी हनी को, हनी भी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट करता है और स्मूथ बनाता है, और एंटी एजिंग यानी कि झुर्रियाँ जो होती हैं रिंकल्स को आने से फेस पे रोकता है, ठीक है? एक टीस्पून हम इसमें ये डाल देंगे शहद का, ठीक है? और ये मैंने तकरीबन 2 खाने के स्पून राइस की जो चावल है इनका मैंने लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, ठीक है? इसमें मैंने 1 टीस्पून शहद का डाल दिया। मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क को, मिल्क भी स्किन को स्मूथ बनाता है, ब्राइट करता है और वाइट करता है। इस तरह से 2 स्पून मैंने इसमें ऐड करने हैं मिल्क के, और इस तरह से इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि ज़बरदस्त ही हमारी जो वाइटनिंग क्रीम है राइस और मिल्क की वाइटनिंग क्रीम रेडी हो जाए, ठीक है? हमने इस तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन को, ठीक है? लेमन जो होता है एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है, स्किन को ब्राइट करता है, वाइट करता है। तकरीबन इसमें मैं 1/2 टीस्पून जितना लेमन को ऐड करूँगी, स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, दाग धब्बे साफ़ करता है, छाइयाँ साफ़ करता है और ग्लोइंग करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। तो इस तरह से हमने इसको ये मिक्स करना है, इसको मिक्स हमने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? ताकि तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डालें वो यकजा हो जाएं, ठीक है? अब इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम का ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो वो भी एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन बादाम का ऑयल जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, और विटामिन ई से भरपूर होता है ये, ठीक है? तो मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें बादाम का तेल ऐड कर दूंगी। इस तरह से ये स्मूथ बनाता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है बादाम का तेल, और स्किन को ग्लोइंग बनाता है, दाग धब्बे और छाइयों को ख़त्म करता है, स्किन को स्मूथ और ब्राइट करता है, ठीक है? इसमें तमाम इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो स्किन को ब्राइट करते हैं, वाइट करते हैं, और ये ज़बरदस्त ही हमारी होममेड क्रीम तैयार है, ठीक है? अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो गाइस इसको इस तरह से लेके पूरे फेस पे लगा लेंगे और आधे घंटे लगे रहने देंगे। नेक पे भी लगा सकते हैं आप, रोज़ भी इसको लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी इसको लगा सकते हैं, और इसे तकरीबन आधे घंटे लगा रहने दें, फिर इसको फेस वॉश कर दें अच्छी तरीके से, तो आप देखेंगे स्किन ग्लोइंग ब्राइट हो जाएगी और टैन शेड जो है ना बहुत ज़्यादा स्किन को ये लाइटर कर देगा। आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।